पास आके दिखा देता हूँ, जिन्होंने हवा महल बनाया था महाराजा से आए हुए हैं सिद्धू मूसेवाले के पिंड से। यार टॉप फ्लोर से हवा महल के, सुना था कि हवा महल की हवा आती है इनकी खिड़कियों से, लेकिन बहुत आ रही है सही में, हवा महल हवा है। पिंक सिटी दोनों तरफ एक ही जैसा आर्किटेक्ट डिजाइनिंग और सिर्फ पिंक पिंक, रात में ज्यादा खूबसूरत लगता होगा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। हवा महल की तरफ ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं पूछते पूछते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए दिन की शुरुआत हुई, अपना टाइम दोपहर के 1 बज चुके हैं। आज पिंक सिटी जयपुर से हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिंक सिटी का गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिंक सिटी के दर्शन कुछ ऐसी है जी। पिंक सिटी यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ना चांदनी चौक में घूम रहे हैं। चांदनी चौक भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, सेम दुकानें दोनों साइड पे, एक ही स्ट्रक्चर की, एक ही नक्शे में काटी गई और वैसी पार्किंग दुकान के आगे। पर ना चांदनी चौक में एक बात आई, ये रश खत्म हो चुका हुआ है, पर यहाँ पे अभी भी रश बहुत है। ऐसा ना महसूस ही नहीं हो रहा है कि जयपुर में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी चौक में मैं घूम रहा हूँ। वैसी सेम चांदनी चौक जैसी मार्केट है दोनों तरफ में, बट डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क है और कलर बोथ साइड में पिंक, इसलिए इसे कहा जाता है पिंक सिटी जयपुर। पहली झलक हवा महल की कुछ इस तरह से है इसकी। मैं 1799 में हवा महल महाराजा प्रताप सिंह, जो कि महाराजा जय सिंह के जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने ये बनाया था। ये 5 मंजिला इमारत है, आप देख सकते हो, और हर मंजिल में ना छोटी छोटी सी विंडोज़ हैं इसकी, और ये ना एक पिरामिड टाइप जो है ये बना हुआ है। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है ये पिरामिड टाइप जैसे होता है ना वैसा बना हुआ है, और टॉप फ्लोर पे तीन जो विंडोज़ हैं वो बहुत छोटे छोटे। पास से देखने में ना कुछ ये इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हो मैं बिल्कुल हवा महल के नीचे खड़ा हूँ, अराउंड 50 मीटर टॉल और 5 मंजिलें इसमें। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए हवा महल की, ये भी नज़ारे ले रहे हैं, फोटो सचिन का भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, आप देख सकते हो बहुत, जितनी दूर दूर तक नज़र लगा सकते हो ना, सिर्फ आपको टूरिस्ट ही दिखे। मानसा से आए हुए हैं सिद्धू मूसेवाले के पिंड से। Now I'm trying kachori. It's supposed to be very spicy, but we will see. Kachori. We will see. I'll try the sauce. It's spicy, sir. Yeah. Nice taste, right? Wow. Yeah, wow. Say wow. Recommend it. Very nice. Recommend it. This Hawa Mahal ki back side, kuch dekhne mein aisi lagti hai. तो गाइस हवा महल में हम एंटर हो चुके हैं। यार जितना बाहर से ना बड़ा दिखता है उतना अंदर से है नहीं है, बहुत छोटी सी प्लेस है, बट अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे लगता है कि टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आता है इसको देखने के लिए। पर आज ना नवरात्रों में थोड़ा आज रश कम है, ये तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, भीड़ बहुत होती है, पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम रश देखने को। ये हैं राजा प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल बनाया था महाराजा स्वामी प्रताप सिंह। महाराजा स्वामी प्रताप सिंह म्यूजियम
हवा महल का। बैक साइड हवा महल की कार्यक्रम चल रहे हैं भाई साहब, ज्वाइन करते हैं इनको। चल रही है यहाँ पे, आवाज़ बहुत कम आ रही होगी क्योंकि ढोलकी की आवाज़ ना बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। अभी ना हम अपना खुद का प्लान बना रहे हैं नाचने का, लेकिन बंदा कोई मिल नहीं रहा है साथ में, तो देखते हैं अभी अगर कुछ बात बनती है तो अपने ही स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी, अगर कुछ बात बनती है तो। हवा महल के ऊपर ऊपरली सतह में ज़्यादा रेट नहीं लगाएंगे, कम लगा देंगे आप। खिड़कियाँ दिखती हैं वो ऊपर से पास आने में कुछ ऐसी दिख रही हैं, हम इन खिड़कियों से अब बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर जाकर देखते हैं बाहर का व्यू ऐसा दिखता है जी यहाँ से हवा महल से जयपुर। अभी टॉप फ्लोर पर चलेंगे, अभी फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं हम, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है जी। अभी हमने वहाँ पे जाना है टॉप फ्लोर के ऊपर, वहाँ से आपको दिखाएंगे पिंक महल की खिड़कियाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। कुछ ऐसा दिखता है जी यहाँ से थर्ड फ्लोर से, सेम ही है ये देखो जी, यहाँ से इस विंडो से कुछ बाहर का नज़ारा इस तरह से जयपुर सिटी फ्रॉम बैक एंड, लेके टॉप फ्लोर से सिटी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है जी। टॉप से पूरी जयपुर सिटी यार, ये खिड़कियाँ तो बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे से फिर बड़ी लग रही थी, मैं सोच रहा था खिड़की होगी लेकिन नहीं, ये बहुत छोटी है, तो कुछ ज़्यादा ही है। अरे भाई ये तो बहुत छोटी है यार, यहाँ से मेरा कैमरा बनाया जाता हुआ, ओह यहाँ से देख सकते हो आप पूरी जयपुर। अगर भाई मेरा कैमरा नीचे गिर गया ना तो ये नहीं मिलने वाला नीचे से, लेकिन व्यू जो आ रहा है ना उसके क्या कहने हैं यार, टॉप फ्लोर से हवा महल के। सुना था कि हवा महल की हवा आती है इनकी खिड़कियों से, लेकिन बहुत आ रही है सही में, हवा महल हवा है, वो मज़ा आ रहा है यार हवा महल में। सुना था कि हवा महल की खिड़कियों से हवा आती है लेकिन बहुत ही तेज़ आती है, बिकॉज क्योंकि ज़मीन से तकरीबन 50 फीट की हाइट पर है, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत नज़ारा नज़ारा, मतलब आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्राउड ही है, इतना भी ज़्यादा क्राउड नहीं है। जाने का रास्ता हवा महल से एग्जिट पॉइंट, देख सकते हो आप जैसे गाड़ी टर्नल से निकल रही है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।